Go. Yes, very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. How the Josh? 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 Josh better eekinamna the How's the Josh? How the Josh How the Josh बालवीर सदा खुश रहो सदा सुहागन रहो बस थोड़ा सा ध्यान रहे शर्ट के बटन वटन थोड़ा बंद कर लो यहां पता चला लड़कियां क्लास की चक्कर आके गिर गई सुबह के दबंग पिक्चर के जैसे अपने आप उसके शर्ट के बटन खोले <laughs> बालवीर बाल उगत तुझा मुलिना हृदय रोग अपने पास हृदय तदने की बहुत कमी है पर में तो थोड़ा ध्यान रख बेटा प्लीज सा जूले जिटू गाड़ी दो फोन वापस लगा वापस बांध वो वापस लगा अगर क्लास में बैठना तो वापस लगाना बाहर चलो चलो अबे मनाली देख अबे देख मनाली देख है अबे मनाली देखो मैंने मेरा वादा पूरा कंप्लीट किया क्लास में वेरी गुड मॉर्निंग की तरफ जाएंगे वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑलोफिया प्रैक्टिस बारहवीं सेकंडिस प्रैक्टिस के देखो यहां तक का बटन लगा ले चुप हृदय रोग हो गया तो मुश्किल हो जाएगा क्लास में इसका कोई इलाज भी नहीं <laughs> तो नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बार बार बोलने का याद या दिलाने का जोश कैसा, जोश कैसा है जोश कैसा है जोश कैसा है ये बोलने की एक वजह है पूरे बारहवीं कक्षा के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जिस चैप्टर के साथ आपको बड़े शिद्दत से रहना है बड़े सिंसियरिटी से जिस चैप्टर को पढ़ना है सीखना है समझना है वो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरा बचा हुआ सिलेबस बाकी के पूरे चैप्टर्स सिर्फ इस एक चैप्टर के इर्द गिर्द घूमते हैं दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस मनी एंड मनी मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस को क्या कहता है तुम दिल की धड़कन में रहते हो क्या डाला रहे हो शिंदे पाटिल किधर ना बाप बड़ा ना स्टेटस वाला बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया सीन भाई बाप भैया कुंदल के मारेंगे देखो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वी आर टॉकिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस टॉक्स ऑल अबाउट मनी एंड मनी मैनेजमेंट मनी एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में जो बात करता है आओ टाल और एक बार टालिया किधर छोड़ गया आज हेट बैठ बेट, बैठ बैठो जल्दी आगे आगे बैठो दोनों आगे आ जाओ दोस्त नजदीक नजदीक आओ उधर उधर से आओ उधर से उधर से आओ ब्रेक अपना वैसे दस बजे तक ही साढ़े नौ से दस इच ब्रेक है अपना तो पंद्रह मिनट का ब्रेक है फिर भी फिर भी ब्रेक दस बजे तक है मैडम दस बजे छोड़े तो भी ब्रेक दस बजे तक ही छे? दस के बाद ब्रेक नहीं तो बेटा सेक्रेटर प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं अब जो सिलेबस बचा है बहुत इंटरेस्टिंग है ओनली पैसा 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 और बहुत ही उमदा अभी सिलेबस है देर इज लॉट आई कैन गिव

बिल्कुल भी और सिर्फ इधर ध्यान देगा और बेटा कल तुम ध्यान ही रखना बाहर ना बाहर ट्रिमर लेके खड़े रहना लो कल याद ही रखना तुम कल कल प्रोविजन करके रख उस तरह, उस तरह लाके रख कल नहीं आए तो उसको यहीं उड़ा देंगे पूरा कल चप्पी कर देंगे पूरा इसे <laughs> से। सेक्रेटरी प्रैक्टिस में पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ा है आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस टॉक्स अबाउट मनी एंड मनी मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के मनी और मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है ये उससे समझ में आया तुम दिल की धड़कन में रहते हो बिजनेस फाइनेंस को कहता है दिल की धड़कनें चलती है तभी इंसान चलता है है ना तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो मेरी सासों से कहते हो कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो कमिंग टू द पॉइंट दिल की धड़कन में बिजनेस के दिल की धड़कन में रहता है फाइनेंस और फाइनेंस का धड़कना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनेंस अगर धड़कना बंद हुआ दिल अगर धड़कना बंद हुआ तो बिजनेस खत्म हो जाता है जैसे इंसान खत्म होता है वैसे है ना तो बेटा मुद्दे की बात यह है आप में से जो भी व्यक्ति कल को एक एंटरप्रिनर या बिजनेस या जो भी करियर परस्यू करना चाहेगा आपकी पूरी जिंदगी में जहाँ से लेने की बात नहीं जहाँ से कमाने का दौर जो शुरू होगा ना उसके बाद बची हुई जिंदगी जिस हिसाब से आपको जीना है जिस स्टाइल से जीना है वो सब चीज़ें करने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है जो लोग बिजनेस में जाएंगे उनके लिए आज जो मैं बेसिक्स बताऊंगा ये बेसिक्स बहुत काम में आएंगे काफ़ी बेसिक काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी रियलिस्टिक बेस्ड एग्जाम्पल्स में देता हूँ जिसके से स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आती है

इतना इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में गहराई है अगर आप सेक्रेटरी प्रैक्टिस की बात करें पूरा आपका बारहवीं कक्षा का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस के बारे में बात करता है जिसका सिर्फ बेसिक ही आपको बताया वी वी आर आर नॉट गोइंग गोइंग टू टू डिस्कस डिस्कस ईच एंड एवरी सोर्स जस्ट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट जैसे शेयर कैपिटल और डेट में डिपोजिट और डिबेंचर्स ये तीन ही सोर्सिस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन इसके गहराई में और जाना है तो यू हैव टू रीड द कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे इसमें कितनी ज्यादा गहराई है ठीक है सो इन द फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस वट डिड वी लर्न इन कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस टॉक्स अबाउट मनी एंड मनी मैनेजमेंट विड रिवल्स टू इंपॉर्टेंट फंशंस वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन अनदर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है दोस्तों

पहले प्रश्न का जवाब हमें यह ढूंढना होगा वट इज माई कैपिटल रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरे बिजनेस में क्या है यह समझने के बाद ही मैं समझ सकूंगा कि मुझे पैसा कहां से रेस करना है लेट से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शेयर इशू कर सकता हूं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैंक से लोन ले सकता हूं मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे दोस्त मुझे पैसे लेंड कर सकते हैं सो देर एन नंबर ऑफ ऑप्शन लेकिन किससे कितना पैसा लेना है तभी समझ में आएगा जब मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस की समझेगी इसीलिए वी अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एज टू फ्रॉम वेयर वी है फाइनेंस प्रोक्योरमेंट से आने से पहले इस निर्णय पे आने से पहले कि कौन से सोर्सेस से पैसा रेस करना है बीच में ही एक कंसेप्ट आपको सिखाई वो है कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल सबसे पहले तो हम बिजनेस में यह समझेंगे कि मेरे बिजनेस में कैपिटल या पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है वह समझने के लिए हम फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझे वो समझने के बाद से मुझे समझ चुका है कि दस लाख रुपए मेरे बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत फिक्स एंड वर्किंग मिलकर अब यह दस लाख रुपए का मिक्स कैसा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा यह मुझे तय करना होगा इसमें से कितना पैसा मैं मेरे जेब से लगा सकता हूं और कितना पैसा मुझे बाहर से लाना पड़ेगा वो समझने के लिए आपको सोर्सेस ऑफ ओल्ड कैपिटल देखने होंगे सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल देखने होंगे लास्ट पॉइंट मैंने सिखाया था कैपिटल मिक्स कैपिटल मिक्स कहता है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस में है उसे मीट करने के लिए दो सोर्सेस है एक तो है ओन्ड कैपिटल दूसरा है बोरोड कैपिटल तो ओन्ड कैपिटल कितना आप लगा सकते हो उसके मुताबिक यू विल बी एबल टू आंसर हाउ मच ऑफ बोरोड कैपिटल यू विल रिक्वायर इफ से थर्टी परसेंट इज ओनली द ओन्ड कैपिटल यू हैव दैट से आपको बोरो करना पड़ेगा अगर आपके 50 परसेंट ओन कैपिटल है या लाना है, और कितना प्रतिशत इक्विटी ओन कैपिटल बिजनेस में रहेगा हमने समझा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमने ये समझा कि कैपिटल स्ट्रक्चर या मिक्स है कितने बजे रहे कान पकड़, कान पकड़ो तीनों कान पकड़ो कान पकड़ो जल्दी अरे खड़े रहो कान पकड़ो कान पकड़ो जल्दी जल्दी कान पकड़ो अरे जल्दी कान पकड़ो आऊं क्या मैं बाहर हाँ, कान पकड़ो <laughs> नहीं, नहीं उधर इधर खड़े रहो दौड़ो खुले खुले थोड़ी जगह में बैग बैग रख बैग रख बैग रख लगा बैग हाँ फिट इंडिया फिट इंडिया बने चले जगह छोड़ रहे वन है की मूड में नहीं हो चलो कान पकड़ो चलो दस बैठक निकालो चलो फास्ट सब, जल्दी सब, सब जल्दी काउंट करेंगे तुम्हारे लिए बैग बैग रख, लगा, चल कान पकड़ कान पकड़ जल्दी कान पकड़ ए टाइम पास मत कर चल आ, ए, ये देख उठक बैठा पूरे ऐसे निकालने की नीचे बैठने का पूरा ये ऐसा ऐसा क्या है ऐसा ऐसा क्या है? ऐसा, ऐसा, क्या है? ऐसा क्या ऐसा कर चल पूरा अच्छे से आगे चल काउंटिंग हम करेंगे चलो चल। कान पकड़ जल्दी टाइम पास मत करो नहीं तो बाहर जाओ हाँ वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री स्टार्ट बोला आप एक फिगर पड़ हूं हाँ चल पकड़ कान पकड़ हाँ वन टू थ्री वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री थ्री वो और रुक गया देख मेरे को मत बोल तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थीन, हाँ तीन हाँ तीन चार कान पकड़ हाँ हाँ चार 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 कमाल चार, चार चार हुए रे चार ए बैग लगा चार, चार 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 एक मिनट रुक रुक कहाँ था मैं हाँ कि अब हमें पता चल चुका है कि कैपिटल स्ट्रक्चर या मिक्स कैसा है दस लाख रुपए की मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है जिससे हम समझे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है कैपिटल रिक्वायरमेंट समझने के बाद नेक्स्ट थिंग वी अंडरस्टूड कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर और मिक्स कितना प्रतिशत डेट होगा कितना प्रतिशत इक्विटी होगा लेट से द डेट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वी हैव डिसाइडेड अपॉन इज 50 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह तय किया है कि हम 50 50 बैलेंस के हिसाब से जाएंगे पांच लाख रुपए इक्विटी लाएंगे पांच लाख रुपए डेट लाएंगे ये तय हो गया है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल मिक्स क्या है अब कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल मिक्स तय होने के बाद जो अब फाइनली डिसीजन लेना है दैट इज फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग डिसीजन डिसीजन फॉर अराइविंग एट वी हैव टू अराइव ऑन द सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू प्रोक्योर द फाइनेंस एंड दैट इज टू बी अंडरस्टूड इन दिस एंटायर चैप्टर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से प्रैक्टिस सिलेबस अगर आपको यह चैप्टर समझ में आया तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बचा हुआ प्रैक्टिस समझ में आएगा अगर यह चैप्टर में आप रीरेगुलर रहे अगर आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आया आई प्रोमिस यू पूरे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक आपको एसपी समझने में कठिनाई होगी सो यू रिमेन फॉर अ सिंगल डे वेन दिस चैप्टर इज रनिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल एग्जाम का पेपर चाहिए किसी को तेरे को होना ना बाकी वो सबको दे, दे दो दे दो दे दो ना तो दे दो दे दो तो बात समझ लो आपके लिख के ले लो बॉन्ड के पेपर पर कि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर सेवन डिटेल आंसर आएगा ना आपको एक ही क्वेश्चन है में, इसके अंदर तीन सिक्योरिटी के बारे में मेजरली बात किया है इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स उसके ऊपर क्वेश्चन है वॉट इज इक्विटी शेयर स्टेट्स इट फीचर्स वॉट आर प्रेफरेंशियस वाट आर डिचर स्टेटिड फीचर्स वॉट आर दिफ्रेंश वॉट आर दिवेंस यह पांच क्वेश्चन है इतने पांच क्वेश्चन याद कर लो कंपल्सरी फाइनल एग्जाम में एसपी के पेपर में आपको दूसरा कोई डिटेल आंसर करने की जरूरत नहीं होगी इतना मेरा इन डेप्थ एनालिसिस सब्जेक्ट का है दिज आर दाइव क्वेश्चन फॉर द डिटेल आंसर यू हैव टू डू विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्जाम इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ चैप्टर के ही मैं डिटेल आंसर लिखवाता हूं आगे चल के चैप्टर नंबर फाइव से जब आगे जाते हैं मैं एक्सरसाइज में किसी भी स्टूडेंट को डिटेल आंसर लिखने के लिए नहीं कहता तो उतनी छूट दे दी जाती है आपको जैसे नेशनल इनकम में पूरे लिखा है जहां मुझे मालूम है जिन चैप्टर से डिटेल आंसर आएंगे उन्हीं चैप्टर के डिटेल आंसर लिखवाऊंगा जिन चैप्टर के डिटेल आंसर नहीं आएंगे वो एक्सरसाइज का पार्ट आपको स्किप करने के लिए दे दिया जाएगा अरे अरेगढ़ी मैं पॉइंट आज के डेट में बोलकर मैं तुम्हें तो अदर नहीं करना चाहता लेकिन जब जहां जरूरत होगी मैंने आपको पहले ही कहा है साफ साफ कहा है फोर्टीन डिफरेंशिएशन है फोर्टीन में से आठ परफेक्ट डिफरेंशिएट दूंगा मैं आपको जो उसमें से आठ में से तीन कंपलसरी आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे मैं आपको चैप्टर के भी नाम बताऊंगा ये तीन चैप्टर नहीं भी करे तो भी आपको पेपर लिखना था लेकिन वो आज चीजें नहीं बताऊंगा वो आपको लास्ट एग्जाम के एन एक मंथ पहले बताऊंगा आई प्रोमिस यू अस्सी मार्क का एसपी का पेपर लिखना है ना आपको इको का लिखना है ना पूरा के पूरा 100 परसेंट गेस्ट में आपको निकाल के दूंगा ओसीएम का भी आपने अस्सी मार्क का पेपर टैली नहीं हुआ तो 100 परसेंट फीस रिफंड जबान है मेरी लेक्चर में रिकॉर्डेड है तो बेटा सोर्सेस लेकिन वो सब चीजें आज नहीं करने आज कर दूंगा सब अदर हो जाते फिर कोई करने के मूड में नहीं रहता अभी हम सिंसियरिटी से हंड्रेड जैसे सीखते आए उसी हिसाब से सीखते रहेंगे तो अब यहां से शुरू होता है मेन डिसीजन दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन इस चैप्टर से खरी शुरुआत होती है फाइनेंसिंग डिसीजन की वट इज फाइनेंसिंग डिसीजन टॉक अबाउट और किस हिसाब से हम बाउंड्री तय तो कर ले फिर बैटिंग करने के लिए आसानी होगी एग्जैक्टली exactly हमें पता रहेगा बाउंड्री कैसे सिक्स किधर मारना है कौन सी शॉर्ट बाउंड्री कौन सी लॉन्ग बाउंड्री समझ आएगा तो चैप्टर की पहले बाउंड्री समझते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो ये है चैप्टर और यहां से पूरा बचा हुआ सेक्रेटल प्रैक्टिस इज सेंटर्ड ओनली टू वन कंसेप्ट दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन हमें ओके अब जो कुछ भी हमें बचे कुछ दिनों में आपको एसपी पढ़ाऊंगा उसमें यही समझना कि आपको मैं फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा रहा हूं हमें ओके okay? चलिए चैप्टर में सोर्सेस के अंदर आपको मैंने बता दिया कैपिटल जो बिजनेस में आता है वो दो सोर्सेस से आता है कौन से दो सोर्सेस से आता है रिया सिर्फ बोले देगा। ऐसा थोड़ी है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी सुनता ना मैं कुछ भी कर सकता अभी तो पढ़ाया हूं मैं तुम्हें क्लास में पूरे पहले चैप्टर में पढ़ाया हूँ अगर तुमने बोला हनीशा तो ये चैप्टर की एक्सरसाइज दो बार लिखाऊंगा सौ पेज की एक्सरसाइज है डू वन टू डेयर साक्षी दीदी सौ पेज की है हाँ हाँ रिया हाँ अच्छा इतने ही सोर्सेस होते क्या ध्यान कहाँ है बेटा आपका मजाक की बात बाजू में करो आपको कल बताया मैंने कल पढ़ाया है टू sources of ऑफ कैपिटल इन बिजनेस आप ध्यान क्या दे रहे हो क्लास में सुन क्या रहे हो वो देखो सेल्फ एनाल करो कल ही पढ़ाया मैंने रिया इतना भी आ बट मत बनो एक लिमिट तक रखो इतना भी मत बनो तो बेटा अगर हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं बिजनेस में जो सोर्स है फाइनेंस के वो दो जगहों से है ये बात हमेशा इंसान के हाथ कितने बताओ रिया भी याद रखो चलो इंसान के हाथ कितने हैं इंसान का हाथ कितना है दो अब राइट ही हो या लेफ्ट ही हो राइट तो ज्यादा ज्यादा काम किसे करते हो राइट ओके नाउ योर राइट हैंड इज योर ओन कैपिटल क्या <laughs> बोला ना मैं आदमी पॉजिटिव विचार कर ही नहीं सकता वह हर चीज में नेगेटिव विचार ही करना है चीछ। 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 मतलब सोच देखो बच्चों की सोच मतलब आदमी कितना भी सिर पटक ले कुछ भी करो आखिर दिमाग में वही गन है बहुत हसरा जुली तू हाथ धो के आया ना सुबह मैं कुछ बोला नहीं हाँ तो रिया आप राइट ही हो मैक्सिमम चीजें आप राइट हैंड से करते हो लाइक दिस इज द मेजर हैंड यू यूज फॉर डेली एक्टिविटीज ओके अरे चुप रहे मेरे बाप अगर आप राइट ही हो तो एक हिसाब से ये अपना ऐसा हाथ है जिसका हम इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा करते हैं सो दिस राइट हैंड कैन बी कंसिडर्ड एज योर ओन कैपिटल इफ याइटी योर राइट हैंड विल बी योर

तो बेटा बिजनेस के अंदर जो कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी पैसा जो रेस किया जाता है ये मूल रूटली दो जगह से रेस किया जाएगा एक ओन्ड कैपिटल दूसरा होता है बोरोड कैपिटल ये नो हा या ना ओन्ड कैपिटल जो होता है आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द ओन्ड कैपिटल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो ओन्ड कैपिटल के दो सोर्सेस होते हैं कितने सोर्सेस होते हैं दो एक होता है शेयर्स और शेयर कैपिटल और दूसरे होते हैं रिटेन अर्निंग्स कल मैंने बताया था रिटेन अर्निंग वाला सोर्स उसी कंपनी के लिए अवेलेबल है जो कंपनी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कंपनी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी के लिए रिटेन अर्निंग्स का ऑप्शन बतौर सोर्स अवेलेबल होता है आज रिलायंस अगर अपना एक्सपांशन करना चाहे अगर उनके प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट उन्होंने रिजर्व के बतौर बैलेंस शीट में संभाल के रखा है तो क्या वो फ्री रिजर्व का इस्तेमाल एक्सपानशन के फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कर सकेगा क्या और yes नो no. आया ना आया ना अगर रिलायंस कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है उस प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा उन्होंने फ्री रिजर्व बतौर संभाल के रखा है उनके बैलेंस शीट में लेट से 500 करोड़ रुपए के फ्री रिजर्व है कल को वो कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस नए प्रोजेक्ट में

जो कंपनी नई कंपनी है जो कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश है जिसने अब तक ऑपरेशन शुरू ही नहीं किए जिसने कोई सेल परचेस किया नहीं जिसने कोई प्रॉफिट किया नहीं प्रॉफिट में से कुछ निकालकर रिटर्निंग बनता है जो सोर्स ऑफ फाइनेंस बनता है तो जब प्रॉफिट ही नहीं तो रिटर्निंग होगा क्या नहीं तो ये वाला ऑप्शन इज नॉट एक्सेसिबल फॉर अ न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस न्यू एस्टैब्लिशमेंट के लिए सिर्फ एक ही सोर्स होता है ओल्ड कैपिटल का दैट इज शेयर एज शेयर कैपिटल शेयर्स दो तरह के होते हैं कंपनी में एक होते हैं इक्विटी शेयर्स दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स राइट इसके बाद जो हमें देखना है बोरोड कैपिटल बोरोड कैपिटल में हम क्या क्या देखेंगे सबसे पहले देखेंगे डिवेंचर डिवेंचर का मतलब डिबेर होता है टू ओ जैसे हम शेयर्स बेचकर पैसे लेते हैं शेयर्स जो होता है कंपनी का ओन्ड कैपिटल और परमानेंट कैपिटल स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें वो कंपनी का ओल्ड कैपिटल और परमानेंट कैपिटल है तो जो परमानेंटली बिजनेस में रहेगा वो वापस लौटा जैसे सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस का परमानेंट कैपिटल होता है लेकिन सोल ट्रेडिंग में अगर बैंक से लोन लिया है तो क्या बिजनेस का परमानेंट कैपिटल है क्या नहीं दैट इज टू बी रिटर्न बिकॉज इट इज अ बोरोड कैपिटल राइट इन द सेम वे वी हैव टू सोर्सेस राइट हैंड इज माई ओल्ड कैपिटल लेफ्ट हैंड इज माई बोरोड कैपिटल सो देर आर वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर ई कैन रेज मनी विदिस हैंड देखो दो हाथ है मेरे पास अगर मुझे ओल्ड कैपिटल से पैसा रेस करना है तो मुझे राइट हैंड से पैसे रेस करने होंगे और अगर मुझे बोरोड कैपिटल से पैसा रेस करना है तो मैं मेरे लेफ्ट से पैसे रेस करूंगा होंगे ओल्ड सोर्सेज इस हैंड के सोर्सेस होंगे बोरोड सोर्सेज बोरोड सोर्सेज में सबसे मेजर सोर्स आता है डिबेंचर देखो कंपनी अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स ये अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज है जिन्हें कंपनी बेचकर पैसा रेस करती है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये रेगुलर सिक्योरिटी या ओन सिक्योरिटी के बतौर क्लासिफाई की जाती है लेकिन सिक्योरिटी बतौर जो कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करता है ना दैट डिबेंचर्स इज अ डेट सिक्योरिटी उसको हम क्या कहते हैं डेट सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटी बोरोड सिक्योरिटी जैसे कि इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके जो पैसा कंपनी के पास आता है वो पैसा कंपनी के पास परमानेंटली होता है तो अगर मुझे मेरा पैसा चाहिए तो द ओनली ऑप्शन आई हैव इज ट्रांसफर माई शेयर टू समन एल्स आई विल ट्रांसफर माई शेयर टू समन एल्स एंड आई एल गेट द मनी फ्रॉम दैट अदर पर्सन बट पैसा जो कंपनी के पास एक बार चला गया बतौर शेयर वो कंपनी के पास परमानेंट रहता है डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होगा डिबेंचर्स इज अ फॉर्म ऑफ बोरिंग वंस यू बोरो दैट मीनस यू हैव टू रिटर्न अगर जूली ने प्रेम से पैसा लिया है तो इट इज अ बोरिंग एंड इट इज अज्यूम्ड एंड इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट जूली नीड्स टू टू रिटर्न दैट मनी प्रेम नो बिकॉज इट इज अ बोरिंग जब हम किसी दोस्त से उधार लेते हैं तो उस दोस्त को उधार वापस करना पड़ता है करना पड़ता है ना जो हमने तय समय सीमा ली है उस तय समय सीमा में हमें, हमें हमारे दोस्त को पैसे वापस देना है ठीक उसी तरह से एक तरह की सिक्योरिटी होती है डेट सिक्योरिटी उस डेट सिक्योरिटी के अंदर कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है बदले में कंपनी को पैसे मिलते हैं जैसे अभी व्हाट इज इक्विटी शेयर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर जैसे मैंने कहा कि परसों चौदह तारीख को जोमेटो का आईपीओ है लेट फॉर एग्जाम्पल से उस आईपीओ में से वो एक हजार करोड़ रुपए का कैपिटल रेस करना चाहते हैं कितना एक हजार करोड़ कोई एक व्यक्ति एक हजार करोड़ रुपए दे सकता है क्या नहीं इसीलिए वो क्या करते हैं पूरे एक हजार करोड़ के कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो छोटा सिंगल पार्ट जिसमें पूरे ह्यूज कैपिटल को डिवाइड किया जाता है उस छोटे पार्ट को हम कहते हैं शेयर क्या कहते हैं शेयर व्हाट इज शेयर देन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल एक शेयर की कीमत सौ एक शेयर की कीमत सौ रुपये एक हजार करोड़ रुपए में सौ रुपए की वैल्यू कितनी है बहुत छोटी है है ना लेकिन ऐसे सौ सौ रुपए के शेयर्स जब बेचकर पूरा कैपिटल रेस किया जाता है दैट फॉर्म्स द एंटायर कैपिटल फॉर अ कंपनी सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर ओके तो वन थाउजेंड करोड़ डिवाइडेड बाय हंड्रेड बहुत कम हो जाएगा लेट से एक हजार रुपए का एक शेयर है कितने का शेयर है एक एक हजार रुपए का डिडेड बाय वन थाउजेंड यानी लगभग वन करोड़ जोमैटो एक करोड़ रुपए एक करोड़ शेयर बेचेगा एक शेयर की कीमत कितनी होगी एक हजार तो जब एक करोड़ शेयर खरीदे जाएंगे हजार रुपए के लेट्स से मैं दस शेयर खरीद रहा तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे दस हजार राइट ये सौ खरीद रहे तो इन्हें देने पड़ेंगे एक लाख राइट ये अगर हजार खरीदा इसे देने पड़ेंगे एक करोड़ तो जैसे जैसे जितने लोग शेयर्स खरीदेंगे नॉट दस लाख सॉरी तो जैसे जैसे शेयर बेचे जाएंगे वैसे वैसे पैसे जमा होते जाएंगे जितने जो शेयर करेंगे पैसे इकट्ठा करके फाइनली पूरे एक करोड़ शेयर जब जोमैटो बेचेगा पूरे एक करोड़ शेयर्स बेचने के बाद उनके पास पैसा कितना जमा होगा एक करोड़ शेयर मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड इज इक्वल टू वन थाउजेंड क्रोर्स यस और नो यस और नो एक बात समझने की कोशिश करो जिस व्यक्ति ने एक करोड़ रुपए के शेयर लिए हैं वो भी उस कैपिटल के मुताबिक उस कंपनी में जितना मालिक है उतना ही मालिक एक व्यक्ति जो एक शेयर होल्ड करता है वो भी उतना ही मालिक सिर्फ प्रोपोर्शन चेंज होता है किसी व्यक्ति ने जोमैटो के हजार करोड़ के शेयर में से अगर सौ करोड़ के शेयर खरीदे हैं तो उसका शेयर होल्डिंग उस कैपिटल में दस प्रतिशत रहेगा कितना प्रतिशत रहेगा टेन परसेंट बट इफ आई टेकन वन लाख रुपीज ऑफ शेयर माय शेयर इन द एंटायर कैपिटल विल बी वन लाख डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड करोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ माय ओनरशिप इन जोमैटो कंपनी किसी भी व्यक्ति की किस कंपनी में कितनी ओनरशिप कितने एक्सटेंट तक ओनरशिप है यह समझने के लिए उसके पास कितने वैल्यू के शेयर है यह समझना होगा आर यू गेटिंग आर्गेटिंग पॉइंट जिसकी जितनी ओनरशिप ऑफ शेयर्स उसकी उतनी कंपनी में ओनरशिप जिसका जितना कंपनी में शेयर्स उसका उतना ओनरशिप अगर मैंने सौ करोड़ के शेयर लिए हैं तो मेरी जोमैटो कंपनी में ओनरशिप कितनी बन जाएगी दस प्रतिशत अगर एक शेयर लिया एक हजार रुपए का दैटी डिवाइडेड बाय करोड़ मल्टीप्लाइड बाय उतना प्रतिशत क्यों ना हो बट आई विल ऑल्सो बी द ओनर इन द कंपनी डोंट डो बेटा जस्ट चिल ओनर ऑफ द कंपनी एक शेयर भी अगर लिया तो एक हजार रुपए के मुताबिक उतने एक्सटेंड तक मेरी ओनरशिप रहेगी एक बात साफ समझने की कोशिश करो हर एक व्यक्ति जो सिंगल शेयर भी कंपनी का ओन करता है वो कंपनी का ओनर होता है ओनर ऑफ द बंगलो ओनर ऑफ द कंपनी इस पर्सन हु द शेयर ऑफ द कंपनी एक शेयर भी खरीदो तो आप कंपनी के ओनर बनते हो सिर्फ ओनरशिप का एक्सटेंट या प्रोपोर्शन आपकी होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है जितनी आपकी होल्डिंग उतनी आपकी ओनरशिप जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अंबानी परिवार के इक्यावन प्रतिशत के शेयर है यानी लगभग आधे से ज्यादा कंपनी के मालिक कौन है अंबानी परिवार पॉइंट पॉइंट हरिकटी माइ पॉइंट और कंपनी स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम नहीं होता लाइक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वोटिंग पावर होता है यानी एक मेंबर को एक वोट दिया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज सेट अप फॉर सर्टन ऑब्जेक्टिव वहां पर वोटिंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द वोटिंग इज कंपल्सरीली बेस्ड ऑन द होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर मेरे पास एक शेयर है एक हजार रुपए का एक हजार करोड़ रुपए में एक हजार रुपए का वैल्यू बहुत कम है मेरा कंट्रीब्यूशन कंपनी में बहुत कम है तो मेरे कंपनी में उतने अधिकार होने चाहिए क्या बड़ा लेकिन जिस व्यक्ति ने कंपनी के 500 करोड़ के शेयर खरीदे हैं सबसे ज्यादा भरोसा उस व्यक्ति ने दिखाया तो बट ऑबर पावर वोटिंग पावर किसके पास जाएगा उस व्यक्ति के पास सो स्टॉक कंपनी में जो वोटिंग पावर होता है दैट वोटिंग पावर इज डिपेंडेंट ऑन द पोर्शन ऑफ द होल्डिंग इन द कंपनी जिस व्यक्ति की जितनी होल्डिंग होगी उसका उतना उस कंपनी में पावर होता है इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी कंपनी के अगर इक्यावन प्रतिशत से ज्यादा के शेयर्स अगर आपने खरीद लिए तो सब जोमैटो कंपनी का हमने क्या किया है एक हजार करोड़ का है तो अगर इस कंपनी में 501 करोड़ रुपए के शेयर अगर मैं खरीद लू तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं इस कंपनी का ओनर हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति के पास इक्यावन प्रतिशत से ज्यादा पचास प्रतिशत से ज्यादा अगर होल्डिंग कंपनी में है तो पूरा मेजोरिटी वोटिंग पावर उस व्यक्ति के पास चला जाता है और वो वोटिंग पावर के हिसाब से पूरे कंपनी को चलाएगा जैसे कि अंबानी परिवार चलाता है हम बाकी जितने भी लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं हम सिर्फ 49 परसेंट में आते हैं जितने भी लोगों ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे वो कितने में आते हैं फोर्टी होल्डिंग में आते हैं और अकेला अंबानी परिवार फिफ्टी होल्डिंग में आता है तो ग्रेटर क्या है फिफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्टी इसीलिए अंबानी परिवार के मुताबिक ही रिलायंस चलती आई है और चलती रहेगी वो कभी भी अपना शेयर इससे ज्यादा जो शेयर इशू करते हैं उसका इशू इसी पैटर्न से किया जाता है कि हमेशा जितने भी शेयर इशू करके जनरल पब्लिक जो इन्वेस्टर्स पैसा ले वो हमेशा इस 49 परसेंट में ही बैठे पॉइंट उन्होंने हमेशा से अपने कंपनी में अपनी होल्डिंग 51 प्रतिशत रखी है जब इक्यावन प्रतिशत से ज्यादा किसी व्यक्ति की होल्डिंग कंपनी में है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही कंपनी का मालिक है क्योंकि मेजर कंट्रोल उसी का है कॉन्ट्रीब्यूशन उसी का है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिबरल या डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता अगर हम कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कॉपरेटिव सोसाइटी के अंदर वन मेंबर वन वोट होता है तो अगर आपके 500 करोड़ है या हजार रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन फर्क नहीं पड़ता तो को करने का अधिकार है, है लेकिन बात जब आती है अमाउंट ऑफ होल्डिंग इन द कंपनी आपकी जितनी होल्डिंग होगी उतना आपको वोटिंग पावर दिया जाएगा वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट का सिस्टम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कतई फॉलो नहीं करता आर यू गेटिंग माई पॉइंट अगर वन शेयर ज इक्वल टू वन वोल्ट रहा तो रिलायंस कंपनी कभी भी मुकेश अंबानी परिवार के हिसाब से चल ही नहीं सकती so, इसीलिए मैं कहता हूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में इक्यान प्रतिशत से ज्यादा अगर आपके शेयर है जिस व्यक्ति के है डायरेक्टली वो व्यक्ति उस कंपनी का ओनर बन जाता है सोर्सेस में हम बात कर रहे थे डिवेंचर्स के बारे में बता रहा था अभी एक बहुत गहरा चैप्टर है मैं बहुत गहराई से जाऊंगा कि लाइट लाइट चलो लाइट लाइट चलो या गहराई में जाओ गहराई में जाना है कि लाइट लाइट लेना है गहराई में जाना है ना फाइनेंस के एकदम तब तो समझो मैंने क्या कहा पूरे कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है शेयर है अब एक बात समझने की कोशिश करो चलो एग्जांपल अलग से लेते हैं हम ये पैसा ओन्ड कैपिटल से नहीं बल्कि बोरो करना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं कंपनी में एक हजार करोड़ रुपए का लोन लेना चाहते हैं अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि अगर आप बैंकों से एक हजार करोड़ रुपए का लोन मांगेंगे तो बैंक आपको बोलेगा सिक्योरिटी दो और बैंक के टर्म्स और कंडीशंस थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं तो जब हम बोरोड कैपिटल रेज करते हैं तो इसके अलग अलग सोर्सेस होते हैं उसमें होता है डिवेंचर एक अकेले बैंक से एक हजार करोड़ रुपए निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है है ना तो ऐसे केस में डेट सिक्योरिटी का भी अपने पास ऑप्शन होता है जो होता है डिवेंचर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज डिवेंचर क्या बोला मैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज अ शेयर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज डिवेंचर अब यहां पे सिर्फ वर्ड चेंज कर रहा हूं मैंने वहां पे एक हजार रुपए का शेयर बेच के पैसे ओल्ड कैपिटल रेस किया लेकिन जब हम बोरोड कैपिटल रेस करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ विद्पऑफर्स हम इस पूरे बोरोइंग बोरोइंग अमाउंट हमारी कितनी है बोरोइंगे मुझे एक हजार करोड़ एक हजार करोड़ की मुझे रिक्वायरमेंट है अब इस एक हजार करोड़ की रिक्वायरमेंट को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑफ रुपीज वन थाउजेंड ईच पूरे एक हजार करोड़ को हमने छोटे वैल्यू में डिवाइड किया और एक वैल्यू क्या करी वन थाउजेंड रुपीज पर इच अब वन थाउजेंड रुपीज पर सिक्योरिटी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिवेंचर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज डिवेंचर्स कंपनी को कितने चाहिए एक हजार करोड़ किसी भी व्यक्ति के पास देने के लिए एक हजार करोड़ नहीं है मैं कंपनी को एक लाख रुपए देना चाहता हूं तो ऐसे मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो कंपनी को देना चाहेंगे तो मैं अभी कंपनी को एक लाख पैसा दिया तो वैसा वापस आता है क्या नहीं क्योंकि वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल बन जाता है मैं कंपनी को एक लाख रुपए देने के लिए तैयार ये पैसे मुझे पांच साल के बाद वापस मिलने चाहिए राइट दैट मीन आई एम रेडी टू गिव लोन फॉर विच आई विल चार्ज इंटरेस्ट

पांच साल के बाद मुझे मेरे पैसे लौटा देना अलोंग विथ इंटरेस्ट अलोंग विथ इंटरेस्ट सो वट आई विल डू एक हजार रुपए का एक डिबेंचर है तो मैं कंपनी के सौ डिबेंचर खरीदूंगा कंपनी के कितने डिबेंचर खरीदूंगा सौ सौ डिबेंचर खरीदने के बाद एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है एक हजार सौ डिबेंचर खरीदने के बाद मैं कंपनी को कितना पैसा दूंगा एक लाख रुपए बरोबर है अब ये एक लाख रुपए कंपनी का ओन्ड कैपिटल नहीं है जो सौ डिबेंचर बेचकर कंपनी ने मुझसे जो एक लाख रुपए लिए हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल आई से 100 डिबेंचर बेचकर कंपनी ने जो एक लाख रुपए मुझसे रेस किए हैं ना दैट इज अ बोरोड कैपिटल हो होगा डिबेंचर राइट right? अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 100 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 1000 थाउजेंड इज इक्वल टू वन लैख रुपीज दोनों भी केस में वन लाख वन लाख रेज हो रहा है लेकिन फर्क क्या है ये एक है, ये एक एक कैपिटल कैपिटल है, है? ध्यान दे समझ में आ रही है बात एक है बोरोड एक ओल्ड जो बोरोड होता है इट इज कंपलसरी टू बी रिपेड जो बोरोड होता है उसे रीपे करना कंपल्सरी होता है जो ओल्ड होता है उसे रीपे करने की जरूरत नहीं होती जो ओन्ड होता है उसके ऊपर कोई रिटर्न या रिवॉर्ड देना कंपलसरी नहीं होता जो बोरोड होता है उसके ऊपर कंपलसरीली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो डिबेंचर के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ देने की जरूरत नहीं है मन मर्जी आए तो डिविडेंड दो वरना ना दो दैट इज ऑल अप टू अपन विल ऑफ द डायरेक्टर्स बट द डायरेक्टर कैनोट से हमारी मर्जी नहीं है सो so हम डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे बाजूला ऐसा जमना डिबेंचर लिया है तो कंपलसरीली उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है इट इज एन ऑब्लिगेशन कंपल्सरी ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दोनों के बीच का फर्क है अगर डिबेंचर से पैसा लाया पैसा आएगा लेकिन वो पैसा क्या होगा बोरोड कैपिटल जितने वक्त के लिए वो सिक्योरिटी होगा उतने वक्त का पैसा रखेंगे बाद में पैसा आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस देना पड़ेगा इक्विटी शेयर को बेचकर जो पैसा रेस करेंगे वो कंपनी के पास हमेशा रहेगा उसके ऊपर आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी प्रॉफिट करता है तो उसको डिविडेंड दीजिए वरना ना दीजिए लेकिन अगर आपने बोरो किया है डिवेंचर को बेचकर तो कंपल्सरीली आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा जैसे हम कंसेप्ट में आगे जाएंगे और क्लियरिटी होती जाएगी द स्मॉलेट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर एंड द स्मालेस्ट पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एजिवेंचर डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच प्रूव दैट द कंपनी अब समझ लो डेट इंस्ट्रूमेंट क्यों अब जो हजार शेयर मैंने खरीदे हैं, तो क्या इस हजार शेयर की वैल्यू जो पैसे है क्या वो उसके लिए कंपनी मुझे लाइबल है क्या नहीं क्योंकि इट इज अल्ड कैपिटल खुद का कैपिटल लेकिन जो सौ डिबेंचर मैंने खरीदे इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट वो डेट इंस्ट्रूमेंट ये प्रूव करता है कि ये एक लाख एक लाख रुपए की जो सिक्योरिटी है जो दिनेश सर ने खरीदी है ये एक लाख रुपए के प्रति कंपनी इज लाइबल टू पे दिस वन लाख रुपीज लाइबल टू पे दिस वन लाख रूपीज टू दिनेश सर इज अ लाइबिलिटी इन केस ऑफ बोरोड कैपिटल देर इज नो लाइबिलिटी ऑफ रीपेमेंट इन केस ऑफ शेयर कैपिटल पॉइंटिमा पॉइंट पॉइंट देर इज नो रिवॉर्ड फॉर शेयर कैपिटल देर इज कंपलसरी रिवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ शेयर कैपिटल समझ में आ रहा है चैप्टर को बहुत गहरे से पढ़ाऊंगा जिन लोगों को समझ में आए उनकी जिंदगी धन्य हो जाएगी इतना इस चैप्टर में है Next, है नेक्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती क्या बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना ठीक उसी तरह से कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस के मुताबिक कुछ कंपनियों को डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करने का अधिकार दिया गया है देर आर सर्टन कंपनीज व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज दे आर वी आर गोइंग टू सी डिटेल इन अ चैप्टर डिपॉजिट के ऊपर अलग चैप्टर है उसके अंदर बताऊंगा

ठीक उसी तरह से जो कंपनी डिपॉजिट लेती है वो भी एक बोरोड कैपिटल है और मैंने हमेशा कहा रूल हमेशा याद रखे बोरोड कैपिटल इज नॉट फ्री बोरोड कैपिटल विल ऑलवेज कैरी इंटरेस्ट सो सेकंड सोर्स होता है डिपॉजिट जनरल पब्लिक से पैसा लेके उसको डिपॉजिट रिसीट देके उसके ऊपर ब्याज दे सकती है सो डिपॉजिट फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल नेक्स्ट इज कॉल्ड एज बॉन्ड्स नॉट जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड बॉन्ड यानी अलग से जैसे पेपर्स होते हैं सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं जिसको इश्यू करके कंपनी जो है पैसे रेस कर सकती है नेक्स्ट एडीआर एंड जीडीआर इसके बारे में सुबह बताया था मैंने अगर कोई भारतीय मूल की कंपनी किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटी बेचना चाहे तो बेच सकती है रिलायंस कहां की कंपनी है बेटा इंडिया की कंपनी है तो उसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं लेकिन इसी रिलायंस कंपनी के शेयर्स अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं वो बेचने के लिए उनको एडीआर और जीडीआर का इस्तेमाल करना होगा बहुत सा दिया है तुमको टेक्स्ट लेकिन बहुत गहराई में समझाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके इसमें में नॉलेज एडिशन हो एडीआर और जीडीआर जब कभी भी भारतीय मूल की कंपनी हुईज कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया सेल्स सिक्योरिटीज इन अमेरिका और एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अमेरिका सच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड विद द हेल्प ऑफ एडीआर इज कॉल्ड एज अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट्स बट

उनके अलग अलग तरह के लोन लॉन्ग टर्म लोन मीडियम टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन कैश क्रेडिट ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं आई डी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं और इसके अलावा ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट यानी क्रेडिट पॉलिसी उधार ट्रेड क्रेडिट यानी उधार जो कुछ भी हम आ, हमारे क्रेडिटर से उधार लेते हैं दैट इज अ क्रेडिट राइट जैसे हमारे परचेस पे अगर हमें दो महीने का क्रेडिट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्योंकि उतने दो महीने के लिए अपने को उसका पैसा इस्तेमाल करने को मिलता है राइट right? इसके बारे में समझेंगे डिटेल में लेकिन कल से दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द इंट्रोडक्शन थैंक यू सो मच